गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमिकाएं। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा। यदि आप इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और प्यारे दोस्तों, तो इस चैप्टर से आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यह आपका कोई समकोण त्रिभुज है, कोण आपका थीटा है। तो मैंने क्या बोला, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि कोण के सामने आपकी ये भुजा है, यानी ए आपका लंब हो जाएगा। और समकोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं, समकोण आपका ए है। तो समकोण के सामने वाली भुजा यानी इस भुजा को हम बोलते हैं कोण। और जो आपकी तीसरी भुजा होती है, ये आपकी तीसरी भुजा है, इसको हम बोलते हैं आधार। तो इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आया होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं तथा समकोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका कोण ही डिसाइड करता है किसी भी त्रिभुज में कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कोण होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं तथा समकोण के सामने वाली भुजा को हम कोण कहते हैं तथा तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी बेसिस पर है। यदि आपको पता रहेगा कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आया होगा, यानी कि जो आपका लंब है, लंब कौन सी भुजा है, ए बी भुजा, ए बी आपका लंब हो जाएगा। उसके बाद से कोण क्या है, कोण आपका है ए सी, यानी कि जो ए से सी तक की भुजा है वो आपका है कोण। उसके बाद से तीसरी भुजा यानी बी से सी तक की जो भुजा है वह आपका है आधार। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आया होगा। यदि मैं लंब को मान लूं यल है और आधार को मैं मान लूं ए है और कोण को मैं मान लूं के है, तो प्यारे दोस्तों समकोण त्रिभुज से एक फार्मूला और आपका निकल कर आता है, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका होता है कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का आपका होता है लंब का स्क्वायर। यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में कोण आपका क्या है, एसी, तो हो जाएगा आपका एसी का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस का लंब क्या है आपका एबी। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी। अब प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति फलन के बारे में समझिएगा। बेसिकली आपके 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, एक एक कर को मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्यारे दोस्तों आपका होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे का कोण। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे का कोण। तो लंब को मैंने माना है यल और कोण को मैंने माना है के, यानी कि यल बाई के लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे का कोण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर
में ये माना है कि उसी प्रकार से आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का आधार। टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे का आधार। लंब को मैंने माना है एल और आधार को मैंने माना है ए। तीन और फलन है उसको भी देख लीजिए। आपका काट थीटा बराबर होता है, काट थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे का लंब। क्या होता है? आधार बट्टे का लंब। आधार आपका ए है और लंब आपका एल है। वहीं पर सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर आपका होता है कोण बटे का आधार। तो कोण को मैंने माना है के और आधार को मैंने माना है ए। वहीं पर लिख लीजिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर आपका होता है कोण बटे का लंब। तो कोण को मैंने माना है के और लंब को मैंने माना है यह। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति फलन के बारे में कि छह त्रिकोणमिति फलन होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों इन छहों फलन को आप कैसे माइंड में ध्यान रख सकते हैं इसके भी बारे में आपको ठीक बताऊंगा। तो ध्यान से ठीक को समझ लीजिएगा प्यारे दोस्तों। देखिएगा त्रिकोणमिति फलन का बेसिक ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि आपका होता है लाल बट्टे का कक्का, लाल बट्टे का आपका होता है कक्का। ये आपका त्रिकोणमिति फलन को ध्यान में रखने का ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का। तो लंब सबसे पहले मैं इधर से इधर चल रहा हूं, यानी ऊपर से नीचे चल रहा हूं। तो लंब बट्टे का कोण आपका क्या होता है? लंब बट्टे कोण आपका होता है साइन थीटा। वहीं पर आपका आधार बटे का कोण क्या होता है? आधार बटे का कोण आपका होता है कॉस थीटा। वहीं पर आपका लंब बटे का आधार आपका क्या होता है टेन थीटा। यहां तक क्लियर है? अब करना क्या है, अब आपको उल्टा चलना है, यानी इधर से इधर चलना है, यानी आधार बटे लंब आपका क्या होता है? आधार बटे लंब आपका कॉस थीटा होता है। कोण बटे का आधार क्या होता है? कोण बटे का आधार आपका होता है सेक थीटा। वहीं पर कोण बटे का लंब आपका क्या होता है? कोण बटे का लंब आपका होता है कोसेक थीटा। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं लाल बटे का कक्का यानी लंब बटे कोण आपका साइन थीटा, आधार बटे कोण आपका कॉस थीटा और लंब बटे आधार आपका टेन थीटा। फिर उल्टा चलिए, यानी आधार बटे लंब आपका कॉस थीटा, कोण बटे आधार आपका सेक थीटा, कोण बटे लंब आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति सर्व समीकरण के बारे में। बेसिकली आपकी तीन त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है, जिसमें पहली त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है ए। एक पहली त्रिकोणमिति सर्व समीकरण है। वहीं पर जो दूसरी त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है वो आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। ये तो आपकी बेसिक तीन त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हो गई। अब प्यारे दोस्तों एक त्रिकोणमिति सर्व समीकरण से दो फार्मूले और आपके जनरेट होंगे, उसको भी देख लीजिए। यहां से प्यारे दोस्तों देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया, हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए था तो 1 तो ऑलरेडी है ही। ये जो आपका cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में है प्लस में, इसको मैंने राइट साइड में ले गया तो माइनस में हो गया, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो गया। उसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा भी आप निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है? यदि प्यारे दोस्तों इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे या कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा।
ये आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा है, हमको मान चाहिए cos थीटा का, तो करते क्या है दोनों तरफ करड़ी लगा देते हैं, यानी करड़ी के अंदर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर करड़ी के अंदर आपका हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। आपको चाहिए cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा है, करड़ी के बाहर निकालेंगे तो केवल cos थीटा मिलेगा और a वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, यानी 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा cos थीटा बराबर करड़ी के अंदर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। अब आइएगा त्रिकोणमिति सरलसंख्या 2 पर, इस सरलसंख्या से भी आपके दो फार्मूले आएंगे। तो देखिएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो निकाल लीजिए tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मैंने क्या किया, हमको केवल और केवल tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा मैंने इधर ही रखा, एक को मैंने लेफ्ट साइड लेते आया, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। अब आप ये बताइए इस फार्मूले से ही आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, यानी कि आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी हो जाएगा। तो इस सरलसंख्या से भी आपने दो फार्मूले निकाल लिए, यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिएगा सरलसंख्या नंबर 3, इससे भी आपके दो फार्मूले जनरेट होंगे। पहला आपका क्या होगा, पहला आपका cot स्क्वायर थीटा का मान आएगा, cot स्क्वायर थीटा का मान आपका क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। वहीं पर आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान में रखिएगा सारे फार्मूले के, यह अति महत्वपूर्ण फार्मूले है, ये ऐसे फार्मूले है, इन सभी फार्मूले से एक से दो क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों इन सारे फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, तो ध्यान से समझिएगा कि त्रिकोणमिति अनुपातों में किस प्रकार संबंध होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू होती है वो आपका कोसेक थीटा के अपोजिट होता है, यानी साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान का कोसेक थीटा। ओके, तो यहां से आपका एक रिलेशन और आता है, रिलेशन क्या आता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी साइन थीटा इनटू का कोसेक थीटा बराबर आपको मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इनटू का कोसेक थीटा बराबर आपको मिल जाएगा ए। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है, यह एक मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक। तो यहां तक आपको बात क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों यह कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिएगा भाई प्यारे दोस्तों, ए आपका साइन थीटा है, देखिएगा ध्यान से, ए आपका साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह हम रख सकते हैं 1 बट्टे का cos थीटा, तो यहां साइन थीटा हम लिख लेते हैं 1 बट्टे का cosec थीटा गुणे का, ए आपका cosec थीटा पहले से ही है, तो इनटू का आपका हो जाएगा cosec थीटा, ए cosec थीटा से ए cosec थीटा कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको 1 मिल गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि sin थीटा इनटू cosec थीटा का मान 1 कैसे होता है। होता क्या है, जो sin थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन cosec थीटा, तो cosec थीटा से cosec थीटा कटता है तो 1 मिलता है। उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों sec थीटा का जो अपोजिट होता है, या यह कह सकते हैं sec थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका होता है cos थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन का sec थीटा, क्योंकि जो आपका cos थीटा होता है sec थीटा का अपोजिट होता है, तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा। तो यहां पर भी
आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ पर मान लीजिए एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा sec थीटा इनटू का cos थीटा बराबर a। अब प्यारे दोस्तों, जो आपका tan थीटा होता है वो cot थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/ का cot थीटा। तो यहां से भी आपका रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आपका आएगा tan थीटा इनटू का cot थीटा बराबर a। एक सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे आपने लिखा साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा, तो उसी प्रकार आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/ का साइन थीटा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वो कुछ नहीं रहा है। देखिएगा, जैसे साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है, उसी प्रकार से कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा है। तो क्या हो रहा है, ए वैल्यू जो आपकी वैल्यू यहाँ पर थी यहाँ पर चली आई, जो वैल्यू यहाँ पर थी तो यहाँ पर। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे दोस्तों, एक चीज और आपका होता है tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे का cos थीटा। tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे का cos थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे का साइन थीटा। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही हेल्प करते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ध्यान से सारे फार्मूलों को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। जैसे कि पहला फार्मूला आपका होता है, यदि आपका a साइन थीटा प्लस का b cos थीटा बराबर आपका c दे रखा हो, तो आपका a साइन थीटा माइनस का b cos थीटा का जो मान होता है वो आपका होता है प्लस माइनस करणी के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यह आपका अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा। यदि आपका a sin theta प्लस का b cos theta बराबर c है, तो a sin theta माइनस का b cos theta बराबर प्लस माइनस करणी के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर होता है, माइनस का c स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपका होता है, यदि आपका sec theta प्लस का tan theta बराबर आपका a दिया हो, sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर आपका a दिया हो, तो आपका sec थीटा और माइनस का tan थीटा का मान 1/ का a होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, यदि sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर a दिया हो तो sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1/ a होता है। यह फार्मूला कैसे आता है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/ a, ये आप संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ही आता है। लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है कि कैसे आता है, पर ध्यान में रखिएगा, यदि आपका sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a है तो sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1/ a होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि आपका cosec थीटा प्लस का cot थीटा बराबर आपको a दे रखा हो, तो आपका cosec थीटा माइनस का cot थीटा बराबर 1/ का a होता है। तो इन सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कांसेप्ट थे, टोटल बेसिक कांसेप्ट को मैंने बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में आपको बता दिया है। अब प्यारे दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यदि cosec x प्लस cot x बराबर a तो cos x होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। तो देखिएगा, दिया है cosec x प्लस cot x बराबर a, आपको बताना है कि cos x का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी जस्ट पहले
इंपॉर्टेंट फार्मूला में कि कोसेक एक्स प्लस का काट एक्स बराबर यदि ए हो तो कोसेक एक्स माइनस का काट एक्स बराबर 1/a होता है। तो यहाँ पर कोसेक एक्स प्लस काट एक्स बराबर ए दिया है तो कोसेक एक्स माइनस का काट एक्स का मान कितना होगा 1/a होता है। यह मैंने आपको अभी जस्ट पहले महत्वपूर्ण फार्मूला में आपको बताया। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर एक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर दो है। अब करते क्या है, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण एक प्लस का दो से, यानी समीकरण एक और दो को जोड़ना है। तो समीकरण एक आपका है कोसेक एक्स प्लस का काट एक्स बराबर ए, और समीकरण दो आपका है कोसेक एक्स माइनस का काट एक्स बराबर 1/a। अब जोड़ना है तो देखिएगा कोसेक एक्स और कोसेक एक्स जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 कोसेक एक्स, ए आपका माइनस काट एक्स प्लस काट एक्स कटेगा और ए प्लस 1/a हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहां से मिलेगा आपको 2 कोसेक एक्स बराबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ए। हुआ क्या, मैंने एलसीएम लेके साफ कर लिया तो ए आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस का 1, यानी 2 कोसेक एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए आपको मिल गया। यहां से आप कोसेक एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो कोसेक एक्स का मान क्या होगा, कोसेक एक्स का मान निकालने के लिए 2 आपका ए के साथ चला जाएगा, यानी आपको मिलेगा कोसेक एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई आपको 2a मिल जाएगा। अभी प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका कोसेक एक्स होता है वह साइन का उल्टा होता है, यानी कि यदि कोसेक एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2a है तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। तो यहां से आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी को पलट दीजिए, यानी कि आपका 2a/a² + a। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि सारे आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपने चेंज कर दिया। आपको पता था कि कोसेक एक्स का उल्टा साइन एक्स होता है, तो कोसेक एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2a है तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको त्रिकोणमिति सर्वसंख्या में आपको फार्मूला बताया था कि cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से आपका cos एक्स बराबर क्या आया है, करणी के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको साइन एक्स का मान पता है तो आप cos एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका हो जाएगा cos एक्स बराबर करणी के अंदर 1 माइनस का, ये आपका साइन एक्स का मान पता है 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर धन 1, 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का 1 और इसी का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2a/a² + 1 साइन एक्स का मान है, आपको साइन स्क्वायर एक्स करना है तो उसी का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा यहां से आपका cos एक्स बराबर होगा क्या, ये आपका 1 माइनस का, इसका वर्ग कर दीजिए तो 2a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4a² और a स्क्वायर प्लस 1 का आप स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा आपको a^4 प्लस का 1 प्लस का 2a², यानी कि आपका a² + a + b² खुल गया। तो a आपका a² है तो a² + b² + 2ab करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, यानी कि किया क्या गया है a² + 1² को खोला गया है तो आपको इतना मिला है। ठीक, अब देखिएगा यहां से आपका cos x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरी वैल्यू यहां पर जाएगी, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो पूरी वैल्यू आपका 1 के साथ जाएगी, यानी कि मिलेगा आपको a^4 + 1 प्लस का 2a², ये आपका माइनस का 4a² ऑलरेडी पहले से है, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा ये पूरी वैल्यू, यानी a^4 + 1 + 2a². अब आपको ध्यान से समझना है, देखिएगा यहाँ पर माइनस का 4a² में से प्लस का 2a² घटा दीजिए,
तो माइनस का 4a² में से प्लस का 2a² घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2a², यानी ये पूरी वैल्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का 2a². यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यह भी आपका एक स्क्वायर के रूप में है और यह भी आपका स्क्वायर के रूप में है। ऊपर वाली वैल्यू को देखिएगा ध्यान से, है आपका क्या है a⁴ प्लस का 1 माइनस का 2a², a⁴ को हम a² का स्क्वायर प्लस का एक है तो एक का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस का 2, a का मान आपका है a² गुणे का एक लिख सकते हैं। तो a⁴ को a² का स्क्वायर लिख दिया, एक को मैंने एक का स्क्वायर लिख दिया और 2a² को मैंने 2 गुणे a² गुणे एक करेंगे तो इतना ही आएगा। यह किसका फार्मूला है, a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी कि यह आपका a² माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b के होल स्क्वायर को तोड़ा गया है तो यह वैल्यू आई है। यानी कि इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम a² माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x बराबर a² माइनस का 1 और होल स्क्वायर। अब इसको भी देखिएगा, यह पूरी वैल्यू किसके बराबर है, यह जो आपकी पूरी वैल्यू है इसी के बराबर है, यानी कि a² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम a² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप खोलेंगे तो आपका यही आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a² प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप पूरे के ऊपर कर ली, आपको निकालना है cos x का मान, तो cos x का मान क्या आएगा देखिएगा, a² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जब कर्णी के बाहर आएगा तो मिलेगा आपको a² माइनस 1 बट्टे का, ये आपका a² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, कर्णी के बाहर आएगा तो मिलेगा आपको a² प्लस का 1, यानी कि आपने cos x की वैल्यू निकाल ली a² माइनस 1 डिवाइडेड बाय a² प्लस 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा साइन ए बराबर 12/13 है तो साइन ए इंटू का साइन सी का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोला है कि कोई आपका त्रिभुज है एबीसी, तो इस तरीके से कोई आपका त्रिभुज है एबीसी, बोला है कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी को 90 कर लेते हैं, ठीक। अब बोला है साइन ए बराबर 12/13, यानी कि आपको यहां से देखना है ए आपको थीटा का मान लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होता है, तो साइन थीटा साइन ए बराबर 12/13, तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है, साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे का कोण, यानी लंब का मान है 12, ये आपका लंब है तो लंब का मान है 12 और कोण का मान कितना है, कोण का मान है 13, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, यानी यह जो कोण की वैल्यू है वो आपका है 13। यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपको तीसरी भुजा नहीं पता है तो तीसरी भुजा को भी निकाल सकते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। आपको आधार का मान चाहिए, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लीजिए कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस का लंब का स्क्वायर, लंब है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25, यानी कि जो आधार का स्क्वायर का मान है 25, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी आधार की जो वैल्यू है वो आपका आ गया 5। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब साइन ए इंटू का साइन सी का मान निकाल लीजिए, तो देखिएगा
साइन ए का मान आपको दे रखा है 12/13 गुणे साइन सी का मान चाहिए। अब इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, साइन सी का मान चाहिए यानी कि आपको अब सी के सामने वाली भुजा को लंब लेना है, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। साइन सी की वैल्यू चाहिए यानी कि सी के जो सामने वाली वैल्यू होगी अब लंब का काम करेगी और ए आधार का और ए कोण का, साइन सी का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे का कोण, तो साइन सी के हिसाब से लंब आपका हो जाएगा 5 और कोण आपका हो जाएगा 13। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, 12/60/13 यानी कि साइन ए इंटू साइन सी का मान 60/169 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि टेन ए बराबर एक्स बट्टे वाई तो कास ए का मान होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बोला है टेन ए बराबर एक्स अपान वाई तो कास ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहां से आपका ए आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है। यहां पर बोला गया टेन ए बराबर एक्स बटे वाई, तो यानी कि जो थीटा का मान आपको यहां से लेना है क्योंकि टेन ए बोला है, ए आपका थीटा होगा, ए आपका 90 डिग्री होगा। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे का आधार, यानी लंब का मान आपका क्या हो जाएगा, यक्ष लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला ये आपका लंब होगा, यानी लंब का मान आपको दे रखा है यक्ष बटे का आधार, आधार आपका ये होता है, यानी कि लंब आपका यक्ष दे रखा है और आधार आपका वाई दे रखा है। आपको कास ए का मान चाहिए, कास ए बराबर आपका होता है आधार बट्टे का कोण, हमको तो आधार पता है लेकिन कोण नहीं पता है। तो यहाँ पर यदि मैं कोण का मान निकाल लूं तो हमारा कास ए का मान आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का मान आपका है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर प्लस का आधार आपका है वाई, तो वाई का स्क्वायर, यानी कि आपने कर्ण का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहां से आप कर्ण का मान निकाल लीजिए, तो कर्ण का मान निकालेंगे क्या होगा, ये आपका कर्ण के अंदर जाएगा, यानी जो कर्ण का मान होगा वो आपका यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये जो आपका यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका कर्ण के स्क्वायर का मान है, लेकिन आपको कर्ण चाहिए तो ये आपका कर्णी के अंदर जाएगा, यानी कर्ण का जो मान होगा कर्णी के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, इसका मान आपने निकाल लिया कर्णी के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब कास a का मान निकाल लीजिए, कास a बराबर आपका क्या होता है, कास a बराबर आपका होता है आधार बटे का कर्ण, आधार आपका है y, कोण आपका है कर्णी के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यानी कि कास a का मान y बट्टे का कर्णी के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि tan a बराबर 60/11 तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपको दे रखा है tan a बराबर 60/11 sin स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a का मान चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो tan a बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे का आधार। tan a यानी कि जो a के सामने वाली भुजा है यह लंब है, तो लंब का मान आपको दे रखा है 60 और आधार का मान आपको दे रखा है 11। यह आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको माइंड में क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाए कि tan a बराबर लंब बटे का आधार।
और किस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, किस कोण के सामने वाली भुजा आपका कर्ण होती है, तो इन सारी चीजों को क्लास में ही आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप पूरी क्लास को ध्यान से देखते हैं। तो यहां से आपका लंब का मान है 60 और कर्ण आधार का मान है 11, तो कर्ण का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहां से आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहां पर आपका लंब जो है 60, तो यहां पर आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस का आधार आपका है 11, तो ये आपका 11 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 3600, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3721। देखिएगा, एक और जीरो एक, दो और जीरो दो, छह और एक सात और तीन, जो 3721 है यह किसका वर्गमूल है, 61 का वर्गमूल है, यानी कि जो कर्ण का मान आ जाएगा वो आपका 61 आ जाएगा। ठीक, यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। इस कर्ण की वैल्यू आपने निकाल लिया 61। आपको बताना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, या साइन ए बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे का कर्ण। तो लंब आपका 60 है, कर्ण आपका 61 है, तो साइन ए बराबर आपका लंब बटे का कर्ण यानी 60 बटे का 61, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का कॉस ए बराबर आधार बटे का कर्ण, यानी आपको 11 बटे 61 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 3600 और 61 का स्क्वायर आपका कितना है, 3721। इसी का तो स्क्वायर 3721 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 3721 माइनस का ये आपका 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 61 का फिर स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू रहेगा, यानी 3721 हो जाएगा। अब देखिएगा, 3600 में से आपको 121 घटाना है, तो 3600 में से आप 121 घटा लीजिए, 3600 में से 121 घटाइए तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ पर आपका 5 में से 1 जाएगा 4, फिर ये आपका 3, यानी 3479 हो जाएगा। 3479 दोनों के आधार सेम है, यानी दोनों के हर सेम है, तो 3721 हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान 3479 बटे 3721 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 3479 बटे 3721, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि x बराबर cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का sin a, तब 1 अपान x का मान है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है x का मान cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का sin a, तो 1 अपान x का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो x का मान cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin a, तो 1 अपान x का मान क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, यानी 1 अपान x का जो मान होगा इसी को पलट दीजिए, यानी हो जाएगा आपका 1 माइनस का sin a डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा cos a। लेकिन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो 1 माइनस का sin a डिवाइडेड बाय cos a के रूप में कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन 1 माइनस का sin a डिवाइडेड बाय cos a होता तो आपका आंसर यही होता। अब देखिएगा, आंसर ना होने की कंडीशन में करते क्या है, आपको इसके संयुग्मी से गुणा करना होगा। अब बात आती है संयुग्मी क्या होता है। देखिएगा, ए आपका 1 माइनस का sin a है, तो इसका संयुग्मी होगा 1 प्लस का sin a। उसी प्रकार से मान लीजिए a माइनस का b का संयुग्मी पूछा जाए क्या होगा, a प्लस का b। ठीक, यानी कि माइनस का संयुग्मी प्लस होता है और प्लस का संयुग्मी माइनस होता है। यदि आपसे पूछा जाए a प्लस b का संयुग्मी क्या होगा, तो a प्लस b का संयुग्मी a माइनस का b होता है। यानी कि आपका 1 माइनस का sin a का संयुग्मी क्या होगा, 1 प्लस का sin a। तो 1 प्लस का sin a से गुणा भी करना होगा और 1 प्लस का sin a से भाग भी करना होगा। तो संयुग्मी से गुणा और भाग कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस का sin a से गुणा भी कर दिया और 1 प्लस का
साइन ए से भाग भी कर दिया। अब देखिएगा ए आपका एक फार्मूला बन रहा है, वन को मान लीजिए ए है और साइन ए को मान लीजिए बी है, वन को मान लीजिए ए है और साइन ए को मान लीजिए बी है, तो ए आपका ए माइनस बी के रूप में है, ए आपका ए प्लस बी के रूप में है। तो आपको फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पर है ए माइनस का बी ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान है एक तो एक का स्क्वायर माइनस बी का मान है साइन ए तो साइन ए का स्क्वायर बटे का ए आपका नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी का से बुढ़े का वन प्लस का साइन। अब देखिएगा एक का स्क्वायर आपका एक ही होता है और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे का आपका हो जाएगा का से ब्रेकेट में वन प्लस का साइन ए। अब देखिएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कास स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कास स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस का साइन स्क्वायर ए, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर कास स्क्वायर ए रख देते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे कास ए और ब्रेकेट में आपका हो जाएगा वन प्लस का साइन ए। यहाँ पर कास स्क्वायर ए है और यहाँ पर कास ए है तो एक कास ए से एक कास ए कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा कास ए डिवाइडेड बाई वन प्लस का साइन ए, यानी कि वन अपान एक्स का मान होगा कास ए डिवाइडेड बाई वन प्लस का साइन ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमिकाएं के बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर फाइव तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपको कहीं भी किसी भी फार्मूले या किसी भी बेसिक कांसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।